खुश हो गया है ये देखो कैसा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग ना काफी जबरदस्त होने वाला, बिकॉज मैं जा रहा हूँ नवाब को लेके। एक 21 साल का लड़का है, ठीक है, उसके खुद का एक डॉग कैनल है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसके लैब्राडोर्स हैं, जर्मन शेपर्ड, गोल्डन रिटर, मतलब बहुत अच्छी जबरदस्त क्वालिटी के डॉग्स हैं। तो उसके वहाँ जा रहे हैं, तो नवाब को भी ले जाएंगे और इसको भी उसके डॉग से मिलाएंगे और थोड़ा सोशलाइज भी कराएंगे इसको, तो वो भी प्रोसेस है। तो फटाफट चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, नवाब को बिठाएंगे आगे पीछे। छिपकली कुछ नहीं करेगी यार, छिपकली छिपकली कहाँ है, क्रिकेट कहाँ है, तार में, वो तार में। अच्छा, हे क्रिकेट, हाउ आर यू, रंग नहीं बदल रही है तो रंग बदलती है वैसे, आराम से धीरे धीरे बदलता है, आराम से बदलता है क्या, इसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भाग गई। चल भाई बैठ, आगे बैठेंगे इसको, बैठे ना बैठ, सीधे कर ले भाई। हम पहुंच गए यार भाई के वहाँ, इसी का डॉग कैनल है। चल आ जा ना बाप, चाबी ले ली स्कूटी से, ये घर है भाई का। ओ सामने खड़े लॉन्ग कोट है ना ये, ये कुछ करेगा तो नहीं, आ जा चल ना बाप। क्या नाम है इसका, थॉर। ये रहा है थॉर लॉन्ग कोट और ये भाई का कैनल है। अभी इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पहले नवाब को इससे इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ। हेलो थॉर, हेलो, धीरे धीरे ले आ उसके पास नवाब, जा जा नवाब जा। ओ मिल गया, वैसे ये बच्चा है, ये कितने साल का है यार, ये 10 महीने का, 10 महीने का, तो इस पर अटैक तो नहीं करेगा, 4 महीने का हो गया है नवाब। डर रहा है ये थॉर, इसका भाई का लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड। यार इसकी ब्लड लाइन क्या है भाई, इसका फादर इंपोर्ट है सर्बिया से, सर्बिया से, मदर है इसकी इंडियन चैंपियन, 6 बार एजीवन लगी चुकी है। अच्छा एजीवन, सॉरी मैं इंट्रोड्यूस कराने भूल गया, भाई से मिलता हूँ। भाई तो सबसे पहले नाम बता दो अपना और लोकेशन बता दो, हम कहाँ आए हैं। आदित्य जोशी है मेरा नाम। हाँ मैं रहता हूँ हल्द्वानी में, हल्द्वानी में, हल्द्वानी में उचापुर नाम की जगह है, उचापुर में रहते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है, भाई की एज सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड। और इसको ये कब से पाल रहे हो तुम डॉग, ये 11th में था मैं। हाँ पाल तो वैसे बचपन से रहे, 11th से जो है अपना मैं खुद केयर करता, खुद मंगाता था, पॉकेट मनी बचा बचा के। अच्छा, इस टाइप से लॉन्ग कोट आजकल ज्यादा डिमांड में है ना। हाँ, डिमांड में लॉन्ग कोट ही चल रहा है आजकल, जैसा ट्रेंड है। हाँ। तो हमें भालू सा चाहिए। थोड़ा सा फ्लफी होता है, फैमिली वाले थोड़े प्यारा करते, बच्चों का भी पसंद होता है। हाँ। हमारे पास भी रॉनी है लेकिन वो स्टॉक कोट है, उसके बिल्कुल बाल नहीं है। हाँ, तो पहले चलते थे वो। ये देखो यार मैं उसकी कोट दिखाता हूँ पास से, बिल्कुल फ्रेंडली है ना, काटेगा तो नहीं मुझे। ले थॉर, मेल है ना ये, मेल है। ओ भाई, सिर्फ 10 महीने का, 10 महीने का मेल है। और इसका साइज देख लो यार, इसका फेस देखो, क्वालिटी देखो, इसके फुल ब्लैक फेस है इसका यार ना, ये मतलब ब्लैक मास्क बोलते हैं इसे। ये देखो यार, ये क्वालिटी देखो इसकी, पूरा वो देखो आगे से आयाल आ रहे जबरदस्त। तो इसके इसके बाल में और हमारे, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके और नवाब की कोट में डिफरेंस है। इसका सॉफ्ट कोट होता है ना, ये जो जर्मन शेपर्ड होता है, सॉफ्ट कोट, अलग अलग बाल होते हैं, ऐसे लगता है वो कराया होता है बालों में, स्ट्रेटनर कराया जैसे, है ना, रिबॉन्डिंग कराई। और ये मेरे बाल हैं देखो सर के, एकदम खराब बाल, तो ऐसे होते हैं क्योंकि इनको बर्फ में रहना होता है, स्नो में, तो बर्फ अंदर नहीं घुसती है। तो ये थी भाई की थॉर था ना ये। हाँ, इसका हम थॉर। तो इसके पपीज भी अवेलेबल हो जाते हैं अभी, तो ये 10 महीने का भी फिलहाल मेटिंग के लिए नहीं है। नहीं है। हाँ। तो ये अभी रेडी नहीं हुआ है ना। एक और है शेफर्ड, अभी वो दिखाता हूँ, वो भी लॉन्ग कोट है। नहीं, वो मीडियम कोट है। वो मीडियम कोट है। ओ भाई साहब यार, तो ये क्वालिटी आपको कैसे लगी भाई, बिल्कुल मतलब आपको कैमरे में थोड़ी सी कम लग रही होगी, बट जो शेफर्ड की ब्यूटी है वो कैमरे में कभी नहीं आती, कभी नहीं आती ना, कितना कोई भी शेफर्ड हो। तो इसका भी हिसाब तिब्बतन मैस्टिफ की तरह होगा, गर्मी में से ज्यादा गर्मी लगती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बाल ज्यादा है इसके भी ना, अभी इसका कोट भी छड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी आ गई। हाँ, देखो ड्रूल भी कर रहा है, देखो गर्मी लग गई। तो ये थोड़ा सा होता है स्टॉक कोट में डिफरेंस और लॉन्ग कोट में डिफरेंस। तो तिब्बतन मैस्टिफ को ज्यादा गर्मी लगती है और इनको भी लगती है, बालों की वजह से होता है ये। इसका बहुत रफ सा है, इसके तो अंदर ही स्किन नहीं दिखती, बड़ी मुश्किल से दिखती है ये। तो देखो नवाब कैसा लगा मिलके यार थॉर से, चैंपियन डॉग से मिलके, तो चैंपियन डॉग है ठीक है भाई का। तो इसके तो डिमांड भी आती है कि तुम्हें भेज दो हमें करके। हाँ, इसके तो बहुत पैसे लग चुके हैं। तो यार देखो भाई से के भाई के थॉर से हमने नवाब को भी मिला दिया है। और भी डॉग्स होंगे ना अंदर, और भी डॉग्स, पपीज भी अवेलेबल है ना। हाँ, पपीज भी दिखाता। तो यार पपीज और काफी अलग अलग डॉग्स भी दिखाएंगे, तो नवाब को भी मिलाएंगे ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और मजा आने वाला है काफी। आ गया है गोल्डन रिट्रीवर भाई का, ये देखो गोल्डन रिट्रीवर से मिला रहे हैं तिब्बत में। नहीं नहीं नहीं,
नहीं 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 तूने पकड़ लिया टाइट से ना, तो ढीला छोड़ ढीला छोड़। ओए ओ भाई, एक और जर्मन शेपर्ड आ गया भाई का, ये देखो इससे मिला लेते हैं नवाब को। तो तीन जर्मन शेपर्ड हो गए। एक लॉन्ग कोट, ये कौन सा है यार? ये मीडियम कोट है, इसका कोट थोड़ा कम है ना यार। ये कितने महीने का है? ये दो साल का है। ओ भाई यार, ये दो साल का और वो नौ महीने का है। देखो यार, दस महीने का मतलब वो उसकी हाइट ज्यादा हो गई है। क्या क्वालिटी आ रही है लॉन्ग कोट के। तो डिमांड में कौन से ज्यादा है आजकल? ये ना लॉन्ग कोट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि नवाब पपीज के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। बड़े डॉग्स के साथ तो थोड़ा सा देखा हुआ है कि ये कैसे करता है, कोई डॉग इस पर अटैक नहीं करता है, पपीज के साथ देखेंगे ना। तो गाइस अब आ रहे हैं जबरदस्त भाई के लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर। ओए ओए भाई, नवाब इज इन फुल एक्शन। ओ भाई टाइट मत करना, टाइट मत करना, छोड़ दे छोड़ दे, खींचेगा तो वो काटेगा यार। ओ भाई आ जाओ भाई, यहाँ तो डॉग्स का मेला लग गया बिल्कुल। इतने सारे डॉग्स, तो ये एक गोल्डन रिट्रीवर है और वो लैब्राडोर की क्वालिटी देखो आप, ठीक है? आप क्वालिटी देखो गोल्डन रिट्रीवर की और लैब्राडोर की। नवाब इज नॉट इंटरेस्टेड, ये छाव में चले जा रहे बार बार, तो उसको साइड में कर देते हैं। जेस्पर, क्या क्वालिटी है जेस्पर की यार। ये मेरे को काटेगा तो नहीं, हाथ लगाऊंगा तो। जेस्पर कम ऑन, जेस्पर जेस्पर। ओ भाई गोल्डन रिट्रीवर यार, इसका नाम क्या है यार? कैप्टन। कितने कितने एज, क्या क्या एज हो गई यार? और ये जेस्पर डेढ़ साल का गोल्डन रिट्रीवर यार, कैसा लगा आपको? और ये देखो लैब्राडोर की क्वालिटी यार, जबरदस्त। ये कोई ब्लड लाइन का है क्या? ओह भाई, ओह भाई, शैतान है यार, शैतानी कर रहा है भाई। ये क्या बट ब्लड लाइन बता दी यार? राजा लाइन का लैब्राडोर है। ओह भाई, इसके तो मसल्स भी आ रही है यार बहुत। लैब्राडोर हाँ यार, इसकी बोन साइज देखो, सच में यार जबरदस्त बोन क्वालिटी है इसकी। हेड साइज दिखाना, हेड साइज देखो इसके फेस में ना, रिंकल देखना। हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का लैब्राडोर है यार। यार हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है। ये स्टड है ना, तो ये सोच रहा है फीमेल सही है। अच्छा तो इसको ऐसा लग रहा है। ये देखो इसकी मसल, पहली बार लाइफ में मैं लैब्राडोर के मसल देख रहा हूँ, ठीक है? चेस्ट में ये देखो यार, हेलो हेलो कर रहा है। तो इसके पपीज अवेलेबल हैं क्या? इसके पपीज अभी आपको दिखाएंगे, रिट्रीवर के भी दिखाएंगे। अच्छा इसी के पपीज हैं भाई, ये क्वालिटी देखो और कैसे लग रहा है। शाइन कितना कोट में यार, काफी मेंटेन करके रखा हुआ आपने इसको, एक्सरसाइज वगैरह कराते हो क्या? इसको रनिंग कराता हूं सारी, टॉप को खोल देता हूं खेतों में। अच्छा बस क्वालिटी है ये देखो। इसका हेड साइज थोड़ा देखना चाहता हूं मैं अच्छे से। ये देखो इसका हेड साइज देखो, ये देखो इसका हेड साइज। तो ये स्ट्रेट सर्विस के लिए भी अवेलेबल होता है? स्ट्रेट सर्विस के लिए अवेलेबल है ये। अच्छा और अगर तुम्हारे पपीज होते तो ऑल इंडिया डिलीवरी है पपीज की? ओए यार ये हमेशा गोल्डन रिट्रीवर के पास चले जा रहा है। तो देखो यार ये मतलब क्या बताऊं इसके, इसका नाम नवाब है, उसकी हरकतें भी नवाब जैसी हैं, नवाब की तरह बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखो गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, लॉन्ग कोट, जर्मन शेपर्ड सब है, एकदम सब एक्टिव है, ठीक है? सब खेल रहे हैं मस्त तरीके से। पर इसको देखो यार, भाई तू भी थोड़ा सा खेल ले, ले इसको पकड़। हाँ भाई कैप्टन के बच्चे ले आए, ये रहा कैप्टन। कैप्टन के बच्चे नवाब से मिलाते हैं पहले। नवाब कैप्टन के बच्चे यार, कितने क्यूट लैब्राडोर्स हैं यार, रिंकल पूरे फेस में। नवाब कैसा लग रहा है? ये देखो बिल्कुल समझ नहीं आया उसे, पहले तू भी ऐसे था यार। मिल 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 दिखाना ना बच्चे यार। तो गाइस ये देखो, ये रे कैप्टन के बच्चे, क्या क्वालिटी के लग रहे हैं यार पपीज लैब्राडोर। कितने दिन के हो गए? 30 दिन के हैं, 30 डेज। तो 30 दिन के वैक्सीन लगी हुई फर्स्ट? ये पपी डी पे लगती है 20 दिन पे, वो लगी हुई है, बाकी 45 डेज पे पहली वैक्सीनेशन लगी हुई। तो आप पपीज कितने दिन में देते हो लोन? 40 डेज में। हाँ। दो वैक्सीन लगा के? नहीं खाली पपी डी भी लगती है। हाँ। 20 दिन पे लगती है। हाँ। बाकी 45 डेज पे फर्स्ट वैक्सीनेशन लगती है बीमारी वाला, वो ओनर लगाएगा जो लेगा। जो ले जाएगा वो लगाएगा। तो देखो यार आपको कैसा लग रहा है, मैं बच्चे दिखाता हूँ पास से, क्या क्वालिटी है यार। ये देखो इसके तो कुछ ज्यादा ही रिंकल्स आ रहे हैं यार, आपको क्वालिटी चेक करा दूं। ये देखो इसके लिए राजा लाइन का है। अच्छा राजा लाइन का है। ये देखो नवाब कैसे खेल रहे हैं, इसके जो है रिंकल देखो, ये लूज स्किन होती है। लूज स्किन ना, लूज स्किन होती है। तो ये इसके बच्चे के इंग्लिश लैब्राडोर होते हैं ना। अच्छा इंग्लिश लैब्राडोर, इनकी पहचान ही है ये। हाँ ये देखो। हाँ बोन साइज देखो। ओ भाई यार ये देखो इसकी बोन साइज, इसका स्टॉक देखो ये। हाँ पंच फेस जबरदस्त। तो ये इसके फीचर्स हैं कुछ ना? लिप्स, बोन साइज देखो अभी सही। हाँ टेल दिखाना एक बार, टेल दिखाओ इसकी। राजा लाइन की जो है ना टेल थोड़ी लॉन्ग रहती है। अच्छा टॉप लाइन होता है उसकी, शॉर्ट टेल रहती है। अच्छा ये देखो तो ये मेल है, ये मेल है, ये ब्लैक कलर का मेल है, मेल है। और वहाँ खेल रहा है नवाब, फीमेल, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है देखो यार। हाँ लूज स्किन,
इसके पॉज भी मतलब उसके वो मेल है तो उसके ज्यादा थोड़े हैवी पॉज हैं, है ना, मेल थोड़ा हैवी रहता है। और ये देखो यार, तो ये अवेलेबल है सेल के लिए? हाँ, सेल के लिए है ये, बस एक पेयर ही बचा है, बाकी बच्चे तो एक पेयर बचा हुआ है। तो फटाफट भाई को कॉल कर लो, जो भी कर लें, इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो, ये दोनों अवेलेबल है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं इतने अच्छे क्वालिटी के डॉग, सच में बता रहा हूँ। और ऐसे जो ब्रीडर होते हैं ना लोकल, तो ये आपको ट्रस्ट रहता है कि आपको अच्छी क्वालिटी के डॉग्स देते हैं। घर पे लाइव देख के ले जाना, ऐसा नहीं कि भैया हाँ ऑर्डर करो टोकन करो, ये सिस्टम नहीं है। ना, 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 तो भाई ने शौक के लिए रखे हुए हैं, शौक के लिए है, ये हमारा कोई काम नहीं है, काम नहीं है इसका। स्टड के बच्चे आ जाते हैं हमारी फीमेल, मंगवा के नहीं बेचते। ऐसे लगे आपको लैब्राडोर के पपीज, कमेंट करके जरूर बताना यार। नवाब कहाँ गया? नवाब थोड़ा मिलो बच्चों से, नीचे रखो, देखो बच्चों का, ये देखो खेल रहे हैं यार। देखो नवाब सूंघ रहा है यार, वो भी सूंघ रहा है, कितना छोटा है यार वो। 30 दिन का हो गया, 30 दिन का नवाब थोड़ा इसका डबल से ढाई साइज, ढाई गुना होगा इनका, ये देखो यार। तो ये थे लैब्राडोर के कैप्टन के बच्चे, ठीक है। तो आप कौन से लाने वाले हैं? जैस्पर के बच्चे, जैस्पर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। ये भाई थोड़े बच्चे छोटे हैं ना, इसको अंदर रख देता हूं, धूप हो रही है। हाँ अंदर रख दो। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये सब ब्लड लाइन के डॉग्स हैं, अच्छी क्वालिटी के डॉग्स हैं। आप यहाँ पे आके मदर फादर चेक करना, तो थोड़े से ये एक्सपेंसिव रहेंगे, तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार के लाइन में ये डॉग्स वाले हमें कौन लग रहे हैं, जो कहें भैया 5 का दे दो 6 का दे दो। मेहनत लगती है, रात भर उठना पड़ता है, देखना पड़ता है, फीड सब चीज़ महंगी है, तो देखो इवेंट्स भी महंगा है, वो चीज़ भी आप देखो ना। आप सोचते हो कि भैया फ्री में मिल जाए 5 हज़ार रुपये का, तो वो चीज़ पॉसिबल, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती यार। देखो बंदा इतनी एफर्ट डाल रहा है, 5 हज़ार का देते हैं, वो मिक्स देते हैं, मिक्स देते हैं, लैब्रा को जो है रिट्रीवर से मेंटिंग मेंटिंग करा देंगे, वो दे देते हैं 7 हज़ार का। बचपन में तो सब अच्छे लगते हैं, 8-9 महीने के हो जाते हैं ना, तब उसकी रियलिटी दिखती है, तो फिर पता था कि हमने 5 हज़ार वेस्ट हो गए हैं। इससे थोड़ा थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डाल के थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ले जाओ। गीला कर दिया इसने नवाब ने, ओए ओए ओ पकड़ लो, वो कह रहा बैठे रहे मार नहीं, जैसे वो हिल रहा है ना, मैंने नवाब ने इसकी हालत क्या करी, पूरा गीला कर दिया इसने, लाग दिया है। तो गाइस यार ये एक और आ गई है सिज़ू, इसके बाल काटे हैं क्या? हाँ ट्रिम कर रहा है, इसको मिलाना जा रहा है नवाब से, बहुत एक्साइटेड हो रहा है नवाब, ओए इसको भी बच्चा ही लग रहा है। सारे छोटे छोटे कुत्तों पे रौब दिखाता है यार ये, ओए ओए ओए। ये देखो यार ये शिजू है भाई की, भाई कितने दिन की है शिजू? ये मेल है शिजू का। अच्छा मेल है, 11 महीने का, इसकी अभी हेयर कट कर रखे हैं, देखो यार कितना खेल रहा है नवाब के साथ। नवाब तो इसके बच्चे भी अवेलेबल जाएंगे शिजू के? ये तो अभी छोटा है। अच्छा इसके नहीं है ना, वैसे अगर भाई किसी और किसी को कोई और ब्रीड के बच्चे चाहिए होंगे तो वो सारे अवेलेबल करा देंगे, पर वो भी अच्छी क्वालिटी के रहेंगे ना, लो क्वालिटी में काम ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। तो देखो यार नवाब कितना खुश हो गया है, ये देखो। तो इसको ऐसा चाहिए शिजू की तरह, शिजू के साथ खेल रहा है, हाँ कैली के साथ भी ऐसे खेलता है ये। तो देखो यार ये गाइस ये भाई है 21 ईयर्स ओल्ड का, काफ़ी मेहनत कर रहा है और काफ़ी पहले से मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मेहनत के लिए और इसके पैशन के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। और कमेंट करके बताना भाई के डॉग्स कैसे लगे, मेरे को तो इस भाई के डॉग्स की जो क्वालिटी लगे ना, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेपर्ड, सारे एक नंबर के डॉग्स है, ठीक है। तो भाई को कॉन्टैक्ट करना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, भाई के इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दे दूंगा, फॉलो कर लेना। तो गाइस जरा इस व्लॉग को ही खत्म करते हैं, नवाब को हमने भाई के दमदार डॉग से मिला दिया था। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, आपको भाई के डॉग्स पसंद आए ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर लेना, और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, भाई को कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकते हो आप, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो जरूर करना। टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।